आगे आंदोलन तो बढ़ेगा, तो आंदोलन बढ़ेगा यही कहते हुए किसान नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार यही कह रहे हैं कि खुले मन से हम बात कर रहे हैं, खुले हुए हैं हर, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ ही दिखाई देता है। फिर नए सिरे से बातचीत होगी, 7.5 घंटे आज बातचीत हुई। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल की नेता। हरसिमरत जी, इसी कृषि बिल पर आप लोगों ने सरकार से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, आज घंटों घंटों बातचीत चल रही है, मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, सरकार को क्या करते हुए देखती हैं आप जिससे ये मामला सुलझेगा, और जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कानून सरकारों का काम है बनाना लोगों के फायदे में और उनके हित के लिए। आपने सबसे पहले कानून बनाया जिसके लिए आप, जिसके फायदे के लिए बनाया, उससे तो बातचीत आपने करी नहीं। आपने बिना बातचीत किए, बिना उनके उनके सुझाव लिए, आपने कानून उनके ऊपर उठा के थोप दिया। थोप के जब आप उनको कह रहे हैं ये आपके लिए लड्डू है, तो वो लोग कह रहे हैं हमारे लिए जहर है। ये तो वो बात हुई कि आप, सरकार कह रही है आप घर में बैठे, हम आपके घर को आग लगा रहे हैं, आप अंदर रहिए, आपका घर जल जाएगा, आप उसमें जल जाए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई कानून बनाते हैं, चलो आपने बना दिया, आपने गलती कर ली, लेकिन जो लोग 3 महीने से इधर बैठे थे, ठीक है पंजाब में बैठे बैठे रहे, आपने तब परवाह नहीं करी। आपके खुद के सबसे पुराने एलाय वो आपसे बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, आपकी खुद की मंत्री आपसे गिड़गिड़ाती रही कि आप उनकी आशंकाएं करके मत इस देश को, कोविड में हम बोल रहे हैं ध्यान रखिए बाहर ना निकलिए, आप क्यों सड़कों में उतार रहे हैं किसानों को, मत करिए। चीन का बॉर्डर पे बैठा है, आपको आंखें दिखा रहा है, कोविड से देश जूझ रहा है, इकोनॉमी जूझ रही है, अब क्यों किसानों को सड़कों पे उतार रहे हैं, आपने उनकी तक नहीं सुनी। और अखीर में जब इनके पास कोई चारा नहीं था, इन्होंने पीसफुली दिल्ली जाके अपनी बात वहां उठाने की बात करी, तो आपने देखा रस्ते में हरियाणा में बूढ़ी औरतें, बूढ़े किसान छोटे बच्चों के साथ ऐसे सड़कों को खोद के, पानी की बौछारें लगा के, लाठियों से मार के, आंसू गैस ऐसे करके कि आपका कोई बाहर का कोई, क्या बाहर के देश के लोग आपके देश में कोई हमला करने आ रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने ऐसा कर दिया कि अपने लोगों को ऐसे लगने लगा कि हम ही देश के दुश्मन हैं। और अब 7 दिन हो गए, 7 दिनों में 7 लोग वहां पे मर चुके हैं, 3 मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। 20 साल में सबसे ज्यादा सर्दी सर्दी में पड़ रही है, वो औरतें, वो बच्चे, वो बूढ़े वहां पे डटे हुए हैं। अब वो आप उन लोग को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते कि उनकी बातचीत जो वो लेके आए, जब आप अपने कानून को आप वापस ले लिए, अड़ियल स्वभाव से आप नीचे उतर के अपनों को साथ में जोड़ लेंगे, उनका विश्वास आप जीतेंगे क्यों? इट हैज टू बी माय वे और द हाईवे। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कौन सा शाही फरमान है भैया? आपने कानून लेके आए हैं, जे वो कानून किसी को नहीं पसंद, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, हरसिमरत जी आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब हम्बल होकर किसानों के साथ बातचीत करे, कदम पीछे हटाना होता है, लेकिन सवाल तो सियासत पर है जो सामने आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसानों की के कंधे पर आप लोग अपनी बंदूक? आखिर प्रकाश सिंह बादल साहब का पद्म विभूषण लौटाने का क्या मतलब है? क्या ये पंजाब में अपनी सियासी जमीन वापस खोजने के लिए नहीं किया जा रहा है? देखिए, बादल साहब आज देश के सबसे टॉलेस्ट किसान के लीडर हैं। आप कांग्रेस में पूछ लीजिए आपका किसानी लीडर कौन है, आप भाजपा में पूछ लीजिए, आप सब विरोधी पार्टियों में पूछ लीजिए कि आज देश में जो किसानों के लीडर पंजाब हिंदुस्तान के इतिहास में चौधरी चरणजीत जी से, चौधरी देवीलाल जी से, तो आज के दिन में सर बादल का ही नाम होगा, जिन्होंने किसानी के लिए अपनी सारी उम्र लगा दी कि ये जो 70% हमारी देश की आबादी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, और ये रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी उतना ही देश मजबूत होगा, जिसके लिए उनकी इंटायर पॉलिटिकल लाइफ, जो उन्होंने भाईचारिक सांझ और कम्युनल हार्मनी के लिए उन्होंने अपना लगाया, तो दूसरी तरफ पंजाब में किसानों के लिए उसने अपनी सारी जीवन लगा दी, और 16 साल उन्होंने कैद भी, जेल भी उन्होंने भुगताई है इन्हीं लोगों के लिए। तो आज जब वो देखते हैं कि ये लोग जिनके लिए उन्होंने सारी उम्र लगा दी है, आज जो सरकार उनकी अपनी सरकार जिसका वो हिस्सा थे, जो वाजपेयी जी उनकी इतनी इज्जत करते थे, जो प्रधानमंत्री जी कागज भरने से पहले प्रकाश सिंह बादल के पैर छूते थे, आज उनके लोग 3 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं, 6 दिनों से जिस हालात में बैठे हैं, जिन चीजों का सामना करके, तशद्दत का सामना करके, इतने शांतमय तरीके से अपनी बात, और बात क्या है,
कि इससे हमारा भविष्य सारा खत्म हो जाएगा, आप कृपया करके ये हमारे ऊपर ना थोपिए। और सुनने की तो दूर की बात, आज 6 दिनों से उनको जिस हाल में इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो आज बादल साहब को मैंने इतना विचलित अपने इस परिवार में 30 सालों में मैंने नहीं देखा है जितना पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले 6 दिनों में। और जो उनको रोक के नहीं रखा होता तो उनकी सेहत जो अलाउ करती, मुझे लगता वो अपने आप ही पैदल चल पड़ते, हमसे पूछते भी नहीं उधर चल पड़ते। लेकिन सेहत ना अलाउ करने के बाद वो जब मुझे कहते हैं कि आज मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े आंदोलन में मेरे लोगों के ऊपर इतना हो रहा और मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका सिर्फ यही था कि एक मेरे किसानों के साथ सॉलिडेरिटी और दूसरा मेरा सेंस ऑफ बिट्रेयल कि जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण, जो एक इंसान को जीवन में मिलकर बहुत बड़ा मान होता है, ये मान मुझे इन लोगों की सेवा करके मिला है। लेकिन आज जैसा का वतीरा उन लोगों के साथ हो रहा है तो फिर उन लोगों से क्या ये पद्म विभूषण लेना जो मेरे अपनों के ठीक साथ है। हरसिमरत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी सरकार में आप कुछ ही सितंबर के महीने तक शामिल थी, पीएम खुद कह रहे हैं कि ना एमएसपी कहीं जाएगा ना मंडी, और क्या आपको पीएम की भी बात पर भरोसा नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार तीन बार ये जानबूझकर इसीलिए बोला है ताकि किसानों की आशंका खत्म की जाए। पीएम पर भरोसा नहीं रहा आपको? देखिए जय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो उनको लिखने में कोई भी आफत नहीं होनी चाहिए, उससे किसान का भरोसा बन जाएगा। और ये भी आप जानते हैं, मेरे सामने ये एक कागज है कि 2011 में सर मनमोहन सिंह ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, जिसके चेयरमैन उस टाइम के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। और इस कमेटी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 में क्या रिकमेंडेशन दी कि एमएसपी को एक स्टैचुरी लीगल राइट बनाया जाए, तभी किसानों का कोई भला हो सकता है। जो चीज आप 2011 में आज मुख्यमंत्री कहते थे, आज इन्हीं लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया है। आज वो सड़कों में बैठ के आपसे यही तो भीख मांग रहे हैं कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम मतलब कम से कम किसान को जिंदा रहने के लिए सरकार ये कीमत तय करती है। और फिर वो कीमत आप ऐलान करके अपने आप को तो पीठ थपथपाते हैं, लेकिन देश के 90% किसानों को वो कीमत ही नहीं मिलती है और लगातार खुदकुशियां बढ़ रही है। तो आज ये सारा किसान सड़क पे उतर आया है, आंदोलन पे आ गया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने तय करनी है वो तो हमारा हक बना दीजिए। तो क्या बदल गया है 2011 से आज तक कि जब आपके हाथ में वो ताकत आई है बदलने के लिए, आप बदलने को नहीं राजी हैं और ऐसे बूढ़ी मांओं को, बूढ़े किसानों को, बच्चों को आप, कभी आपकी पार्टी उनको नक्सल बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है, कभी बिचौलिया बोलती है, और ऐसे ऐसे लोग तो कहते हैं 100-100 रुपए में मेरी दादियां हायर पे आई है। मतलब इनको ये समझ से, मेरी समझ से बाहर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको अश्योर करने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप देते? ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।